नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आज आपको बताऊंगा कि रबड़ी आप घर में कैसे बनाते हैं। दूध की रबड़ी आप अपने घर में बना सकते हैं, बाजार से आपको खाने की जरूरत नहीं है। बाजार में पता नहीं कैसी कैसी रबड़ियां आपको खाने को मिलती हैं, बिल्कुल बेकार दूध होता है। आप अपने घर में ही अच्छी पौष्टिक रबड़ी तैयार कर सकते हैं। ये सैंपल के तौर पर हमने आपको सामान दिखाया हुआ है, आप ले सकते हैं। इसीलिए हमें दिखाया हुआ है। आप क्या करिए कि सामग्री नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए 2.5 किलो शुद्ध गाय का दूध, फैट वाला अच्छा बढ़िया गाढ़ा दूध आपको बाजार से मिल जाएगा। 2.5 किलो दूध ले लीजिए और 35 ग्राम इसमें आपने शक्कर डालनी है। शक्कर ले लीजिए और बादाम गिरी ले लीजिए, इसको काट के पीस के आप इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। इसको अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो इसके छोटे छोटे पीस करके आप इसको इसमें डाल सकते हैं। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गुलाब जल भी ले लेना है साथ में, थोड़ा सा फ्लेवर बन जाता है, अच्छा टेस्ट आ जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 2.5 किलो दूध को अच्छी मोटी तली वाली कढ़ाई में डाल देना है और इसको आपने हिलाते रहना है ताकि दूध को उबाल आने के बाद भी इसको तला ना लगे, और आपने इसको हिलाते रहना है। और जब ये दूध सूख कर मलाई बनने लग जाए थोड़ी सी, तो आपने उसमें ये 35 ग्राम शक्कर जो आपने लेके रखी है ये इसमें डाल देनी है और बादाम गिरी भी डाल देनी है। आप इसमें दूसरे थोड़े से मेवे जो और हैं, काजू भी हैं, वो भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा गुलाब जल, 1 चम्मच गुलाब जल उसमें डाल देना है और उसको अच्छी तरह हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। और जब देखना है कि वो उसकी दूध बिल्कुल सूख गया है और उसकी गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी सी तैयार हो गई है, और उसको आपने एक कौली में ले लेना है, कौली में डाल लेना है। 2-3 कौले ले लीजिए, 2 कौलियों में ये आपका आ जाएगा, उसमें डाल दीजिए और ठंडी करके आप इसको खाने के बाद खा सकते हैं और अच्छी घर की पौष्टिक रबड़ी का आनंद ले सकते हैं। बादाम वाली रबड़ी घर में खाइए और खाकर मस्त हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।